स्लो मूविंग और NR7 NR12 NR14 चल रहा है जिसका, उसमें मोमेंटम कब शुरू होगा, कहाँ से शुरू, क्यों शुरू होगा, उसको कैसे पकड़ा जाए? कोई न्यूज के ऊपर अपने को इस हाल में ढूंढते रहना है क्या, कुछ आने वाला है कि वो कैसे पता चले कि अब ये पक चुका है और अब यहाँ से ये स्पीड पकड़ेगा? ठीक है, चलो, मतलब सवाल हमारा पहला ये कि अगर किसी शेयर में अब बॉटम बन गया है, हाँ, अब यहाँ से वो शेयर फटने वाला है, शेयर भागने वाला है, ये कैसे पकड़ने वाला है, ये कैसे पकड़ना है? ठीक है, चलो, वो स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें जिसके अंदर हम जो स्टॉक्स हाई एंड हाई बनाते हैं, और दो शुड बी फिल्टर्ड बेस्ड ऑन फंडामेंटल्स यानी जो क्वार्टर रिजल्ट्स या कोई और पैरामीटर भी है, हाई हाई ट्रेंड के स्टॉक्स, जो हाई एंड हाई जो अप ट्रेंड के स्टॉक्स, करेक्ट करेक्ट, ओके, ठीक है, क्या सवाल है सर? फ्यूचर का करता हूँ मैं, और इक्विटी में लॉन्ग टर्म में भी करता हूँ, लेकिन फ्यूचर में थोड़ा बहुत अभी रिटायर्ड के बाद थोड़ा सा खर्चा निकालने के लिए 2-4 दिन के लिए फ्यूचर लेके बेच देता हूँ, जो भी 5-10-15 जो भी मिलता है, तो वो किस तरह का इंट्राडे BTST STBT बाय टुडे सेल टुमारो? नहीं, जो 3-4 दिन फ्यूचर तो 3-4 महीने का महीने वाला खरीदता हूँ, अगर भाव नहीं आया तो रोल ओवर कर देता हूँ, ठीक है, बराबर है, तो फ्यूचर में अगर मेरे को 10-15% भी मिल जाता है तो मैं उसमें से निकल जाता हूँ। 10-15% तो फिर भगवान हो गए थे फिर तो, अगर हर महीने 15% बनाने लगे जो भी अपना जो 10%, क्योंकि अभी जो IEX में भी मैं 20 रुपये एक ही दिन में कमा लिया, एक ही दिन, और लॉस भी मैंने इसमें ICT में लॉस खा लिया, ऐसे ही हुआ ICT, क्योंकि मैंने हाई एंड 2-3 दिन कंटिन्यू 3-4 दिन चला था, मेरे को ऐसा ऑप्शन चेंज की वजह से, मैंने बताया ना जो आपको, तो उस वजह से मैं बोला अभी और भी चलेगा, और एक पहली कैंडल इतनी बड़ी बन गई, मेरा अभी ये चलने वाला है। तो अभी सवाल क्या है सर, ये बताओ? तो अभी यही है कि फ्यूचर में कैसे करें, फ्यूचर में ट्रेडिंग कैसे करनी है, ट्रेडिंग या 2-5 दिन 10 दिन शॉर्ट पोजीशन, शॉर्ट पोजीशन, ठीक, 40 सवाल जो भी थे 2 दिन में पूरे क्लियर हो गए, लेकिन क्या है जब गैप डाउन होता है तो वो मेरा वीक पॉइंट है, तो मेरे को ये सीखना है कि जब गैप डाउन होता है तो कब रिवर्स होगा, वो मेरे को सीखना है, गैप डाउन से कैसे ट्रीट करना है वो देखना, बड़ी मूवमेंट देने वाले हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का अपने ऑप्शन में करते हैं तो उसको घर लेके नहीं जा सकते, तो इंटरनेट में खत्म करना पड़ेगा, तो किस दिन ट्रेड लेना किस दिन नहीं लेना, ट्रेड नहीं लेना है नहीं लेना है वो सीखना है, ट्रेड नहीं लेना है ना वो सीखना है, पैसा मिल ही जाएगा, नो ट्रेडिंग, शांत कब रहना है, कब किस दिन बैठना, किस दिन लेंगे उस दिन बैंक निफ्टी शांत रहेगी, तो उस दिन तो पैसा जाना ही जाना,
सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम विकास शर्मा है, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ और अहमदाबाद में अभी रिसेंटली 2 महीने पहले आया हूँ। आई वॉज लिविंग इन बेल्जियम, लास्ट 3 साल से मैं वहाँ रह रहा था। और कहते हैं कुछ कोविड के टाइम में कुछ लॉसेस भी हुए, कुछ बेनिफिट भी हुए। कोविड के टाइम में स्टॉक मार्केट थोड़ा सीखना स्टार्ट किया, विपुल सर की हमने कुछ यूट्यूब वीडियोस देखने स्टार्ट की, तो तभी डिसाइड किया जब इंडिया जाएंगे तो विपुल सर की क्लास अटेंड करेंगे। और यकीन मानिए सही में द कॉस्ट कहते हैं ना, व्हाट यू बाय इज अ कॉस्ट, व्हाट यू गेट इज अ वैल्यू। तो कॉस्ट इज व्हाट नथिंग। जैसे हम मास्टर डिग्री करते हैं तो हम 4-5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की इन्वेस्टमेंट करते हैं। इट्स अ 2-डे कोर्स जिसमें शायद 25,000 नहीं, आई थिंक ये शायद 1 करोड़। मेरा टारगेट है नेक्स्ट ईयर 1 करोड़ कम से कम हिट करना, अपना जो एसेट्स को अप्रॉक्सीमेटली 40-50 CAGR की तरह से बढ़ा के नेक्स्ट ईयर टारगेट लेके विपुल सर से थोड़ा मैंने थोड़ा पर्सनली भी थोड़ा उनसे एजुकेशन लिया कि कैसे इस चीज़ को हिट करना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग सर ने टैक्टिक सिखाया, टूल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो सर का जो TTC टूल है उसको कैसे ऑप्टिमली वेरीफाई करना है, हाउ इट वर्क्स विद द ट्रेंड्स मार्केट में। सर ने अपने टूल के अलावा और भी जो जितने टूल्स हैं उनको मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना है वो भी सिखाया। आई थिंक दिस इज मैक्सिमम वैल्यू व्हाट यू गेट। आई थिंक शायद ये कोर्स 2 लाख का होता मैं तब भी एक दिन में रजिस्टर करके आता जरूर। थैंक यू सो मच। હું તમને એક મેસેજ આપવા માંગુ છું, વગર લાયસન્સે તમે ડ્રાઇવિંગ નથી કરી શકતા, કે વગર શીખ્યા વગર સ્ટોક માર્કેટમાં પણ કામ કરવું એ તમારા માટે હાનિકારક છે। એક વખત હું તમને એક મેસેજ આપું છું કે તમે દંડનીય અપરાધથી બચો છો તો આમાં પણ તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સેફ રાખો। તો હવે પછી એક ભૂલ ના કરતા જે લોકો કરી રહ્યા છે, આજે જ તમે વિપુલ કૌશિક સરનો ક્લાસ જોઈન કરો, તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ બચાવો એન્ડ ગ્રો મોર। થેન્ક યુ। मैं काफ़ी टाइम से वीके को फॉलो कर रहा था, चार्ट्स भी काफ़ी सीखे, उनके पुराने वीडियो से भी काफ़ी कुछ सीखा था, लेकिन फिर भी बहुत मार खा रहा था मार्केट में। फिर सोचा कि अभी ट्रेनिंग ही ले जाए पर्सनली मिलके, और उसके बाद ये क्लास अटेंड करने के बाद मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा है, चार्ट की ज़्यादा समझ आई है। जो मैं खुद से सीखा था और जो गलतियाँ होती थी वो सब लगता है कि अभी नहीं होगी। टू बी फ्रेंकली उनका जो सिखाने का तरीका कहो या बात करने का तरीका कहो, लगता ही नहीं है कि जैसे हमें कोई टीचिंग दे रहा है। इतना फ्रेंडली बात कर रहे थे कि बातों में समझ में आ जाता था कि क्या हो रहा है। काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ, काफ़ी अच्छा लगा। बहुत लाइट चल रहा है ये सेशन, बहुत लाइट चला है। ऐसा नहीं कि भारी भरकम वर्डिंग्स यूज़ किए गए हो या भारी भरकम चीज़ों से कुछ समझाने की कोशिश की, समझा दिए कि कैसे लेना है। जो सबसे बड़ी गलतियाँ हमसे होती थी चार्ट रीड करने के टाइम में, वो इम्प्रूव हो गया। और ये जो TTC अभी तक मेरे को समझ में नहीं आता कि इसके अंदर कौन सा जादू डाला है कि वो इस तरह से मैच करता है चार्ट के साथ। अब चार्ट ना भी देखो तो TTC के ऊपर ही तुम पूरी कहानी लिख सकते हो, पूरा ट्रेड कर सकते हो, और बाद में वहाँ जाके देखोगे तो वही चार्ट में भी मिलेगा। आई वंडर रियली हाउ इट इज़ वर्किंग, बट इज़ रियली वंडरफुल टूल। थैंक यू। मैं महाराष्ट्र नांदूरा से हूँ, बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट से। मैं यहाँ आने के पहले बहुत नर्वस था सर, और सर ने जो सिखाया एकदम फ्रेंडली सिखाया, बहुत अच्छा लगा सीख के। मेरे मन में यहाँ आने के पहले काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, काफ़ी सारे डाउट्स थे, मैं काफ़ी नर्वस था। यहाँ आने के बाद में मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया, और सर जो बताते कि ये वाकई में स्टॉक मार्केट एक बच्चों का खेल है, बहुत ईजी है। सर ने जो सिखाया, सर के सिखाने के हिसाब से, सर ने सिखाने के बाद ही अपने को ऐसा लग रहा कि स्टॉक मार्केट सिर्फ हमारे हिसाब से ही चलेगा। यानी इतना इजी है, अभी इतना अच्छा लग रहा है, इतना कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि स्टॉक मार्केट हमारे से आगे नहीं जाएगा, हमारे से पीछे नहीं जाएगा, हमारे साथ ही चलेगा। सर ने बहुत अच्छा सिखाया, मैं बहुत खुश हूँ। मेरे सारे डाउट क्लियर हो गए, मेरा कॉन्फिडेंस एकदम बढ़ गया, मेरे पूरे डाउट क्लियर हो गए, मेरे क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो गए। और सर ने जो कम से कम सर मेरे 30-40 क्वेश्चन थे, सारे क्लियर हो गए, एक भी आपको पूछने का काम नहीं पड़ा। जो जो आपने बताया, जो जो आपने सिखाया, बहुत अच्छा लगा सर मेरे को। और सबसे विशेष सर आपने एकदम फ्रेंडली तरीके से सिखाया, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा सर। महाराष्ट्र से। सर मराठी में मैसेज मराठी मानस यही भी इतने यू शकता तुम्ही या सर खूब खूब शान शिकवतात सर, मराठी मेरे को ज़्यादा नहीं आती बाकी मजा आ गया मेरे को सर। बढ़िया सर, एकदम बढ़िया सर। मैं एक्चुअल 2004 से काम करता हूँ, अब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। इतने साल 17 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी अब तक इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। अब लग रहा है मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, और अभी मार्केट सिर्फ मेरे हिसाब से ही चलेगा, मेरे को ऐसा लगता है सर के सिखाने के बाद। मैं अहमदाबाद से ही हूँ। मुझे पहले मेन तो मेरा जो फोकस है अभी तक
अभी तक जो मेरा फोकस रहा है वो प्रॉपर्ली बैंक निफ्टी के ऊपर रहा है, बट यहाँ आने के बाद सर ने मुझे काफ़ी पर्सनल एडवाइस दी है और उन्होंने ऐसा कहा है कि अगर आपको लंबा चलना है तो बैंक निफ्टी जैसी रिस्की चीज़ों से ज़्यादा अगर आप जो बोले स्विंग ट्रेडिंग है जैसे स्टॉक्स है उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो तो क्या है कि अगर आपकी जो मुड़ी है वो भी बनी रहेगी प्लस आप प्रॉफिट भी करते रहोगे। उसके बारे में मुझे बैंक निफ्टी के बारे में बहुत सारे सवाल थे वो भी क्लियर हुए, प्लस जो मुझे नहीं पता था स्टॉक में कभी देखता भी नहीं था, बट आज अभी जो मैं मतलब दो दिन का सेशन था कल सर ने सब जो सिखाया मैंने घर जाके वो ट्राई भी किया, खुद मैं दो शेयर्स भी निकाले तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मैं खुद और ज़्यादा निकाल भी सकता हूँ उसके अंदर मतलब इन्वेस्ट भी कर सकता हूँ उसके अंदर कमा भी सकता हूँ। मेन जो मेरे क्वेश्चंस थे कि क्या खरीदना है किस वजह से खरीदना है, सबसे पहले तो ये कि किस वजह से खरीदना है, कहाँ से ढूंढना है और फिर अगर खरीद लिया है तो उसके बाद कहाँ निकलना है या कहाँ एवरेज करनी है या एंड में कहाँ पे मतलब स्टॉप लॉस लगाना है, ये जो मेन चीज़ है वो सब समझ में आई है। क्लास में मज़ा आया नहीं है? क्लास में तो मज़ा आया था, सर का पढ़ाने का तरीका है मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपको प्रेशर कर रहा है कि नहीं भाई ये लिखना है लिखना है या फिर ये आपको मतलब रट्टा मार के जाना है कुछ भी करके, ऐसा नहीं है, बस आपको इतने इजीली समझा रहे कि आपको मतलब हंसी मजाक में समझ में आ रहा है सब कुछ। और मेन जो सर का जो ये है कैलकुलेटर TTC वो तो उसके बारे में कुछ बहुत बताने लायक है नहीं, क्योंकि उसमें क्या है कि क्या लॉजिक वो तो पता नहीं, बाकी लॉजिक के हिसाब से इतना है कि अगर आपको कुछ उसके ऊपर से कुछ भी आपको कन्फर्मेशन चाहिए तो 100% आपको मिलेगा, और अगर आप उसके हिसाब से चल रहे हो तो इवन मैं तो बोलता हूँ एक आप बैंक निफ्टी भी कर सकते हो। पिछले 5 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ, 5 साल का एक्सपीरियंस है और मेनली स्टॉक और ऑप्शन में मतलब ट्रेडिंग करता हूँ। मैं दूसरी बार यहाँ पे आया हूँ क्लासेस में, पहली बार से काफ़ी डिफरेंट है क्लासेस और ये TTC जो है वो तो सर बोलते वैसे दुनिया का अजूबा ही है, क्योंकि मैंने कल रात को भी देखा था तो मतलब उसमें जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन लेवल आते हैं वो मतलब अचूक आते हैं। पहले 3-4 क्वेरीज थी, 6 महीने से रहा देख रहा था सर की कि कब आए, क्योंकि 3-4 मेजर क्वेरीज थी मेरी, मेजर क्वेरी सॉल्व हो गई। सर का सिखाने का तरीका मतलब बढ़िया है, पिछली बार भी मैंने बोला था और मैं अपने फ्रेंड्स को भी बोलूँगा जो लोग ये देख रहे हैं कि इनका क्लास ज़रूर अटेंड कीजिए, क्योंकि अगर आप वैसे ऐसा नहीं है, मैं भी 5 साल से स्टॉक मार्केट में हूँ लेकिन सीखने के बाद जो कॉन्फिडेंस आता है वो अलग चीज़ है, क्योंकि टेंशन में स्टॉक मार्केट करना और रिलैक्स होकर स्टॉक मार्केट करना वो दो चीज़ें अलग होती है। तो इसलिए टेंशन से के अलावा अगर आपको करना है तो यहाँ सर के पास ज़रूर आइए सीखने के लिए, मैं वही सजेस्ट करूँगा। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। मेरा आपसे एक सवाल एक और रहेगा कि जैसे आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और हम ऐसे मामले भी ऑफलाइन क्लास कर रहे हैं, पर्सनल क्लासेस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लास करना ज़्यादा बेटर रहेगा कि ऑफलाइन क्लास करना, क्या रिकमेंडेशन लोगों के लिए चाहिए? सर मैं ऑफलाइन क्लासेस ही ज़्यादा रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो पर्सनल टच रहता है वो नहीं मिलता है, और मैं खुद भी अगर YouTube पे आप देखो YouTube पे वीडियो देखोगे तो जो टच आता है वो टच नहीं आ पाता है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस ही बेस्ट है। वैसे ये कोविड सिचुएशन थी इसलिए ऑनलाइन क्लासेस किए थे जो लोगों ने, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस से अच्छा ऑफलाइन क्लासेस ही है, मैं वही रिकमेंड करूँगा, ऑफलाइन क्लासेस बेस्ट। मैं पिछले 4 या 5 साल से स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पहले स्टॉक में कर रहा था, अभी ऑप्शन में बैंक निफ्टी में कर रहा हूँ, पर बहुत टाइम से ऐसे ऊपर नीचे पैसा आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, वापस जा रहा था, और जब भी आ रहा था दुगना लेके वापस जा रहा था। ठीक है, तो फिर मेरे दोस्त थे अभी आगे ही गए विरल संघवी, जो आगे सर की क्लास करके गए थे, ठीक है, उन्होंने पिछली बार जब अहमदाबाद में आए थे तब उन्होंने मुझे रिकमेंडेशन दिया कि अच्छी क्लास है, बेस्ट क्लास है, उनके जैसा तरीका सिखाने का जितना ईजी है उतना कोई और सिखा नहीं सकता है। तो फिर मैंने सोचा एक बार कि चलो ठीक है भाई, पैसा लेके जा ही रहा है मार्केट, 10-20 हज़ार तो 50 हज़ार तो जा ही रहा है, तो 20-30 हज़ार डालने में क्या दिक्कत है, एक बार ट्राई तो कर ले, सीख तो ले, पता चल जाए क्या है क्या नहीं, 20-50 हज़ार तो पहले जा चुके हैं और 20 हज़ार और डाल देते हैं और क्या हो गया, सीख जाएंगे तो वो निकल जाएंगे आराम से, वरना जा तो रही। तो फिर मैंने भी एक बार ट्राई किया और क्लास ज्वाइन कर ली, अच्छा लगा, इस बार क्लास ज्वाइन कर ली तो ऐसा लगा कि पहले जो फियर था दिल में वो सब पूरा निकल गया, अभी एकदम फ्री हो गया स्टॉक में भी। अभी मैं बैंक निफ्टी करता था, अभी ऐसा लग रहा है कि स्टॉक में भी करना चाहूँगा, स्टॉक इतना क्लियर आ रहा है, बैंक निफ्टी से भी आगे क्लियर आ रहा है स्टॉक का सर का। तो दूसरे लोगों को भी मैं कहूँगा कि और भी आओ और सर को ज्वाइन करें, हूँ तो एज कहीं लोगों ने
કે જો બેંક નિફ્ટીમાં શેર બજારમાં જે સટ્ટા મારતા હોય એ સટ્ટા ના મારે, એકવાર વિપુલ સરને મળી લે, એકવાર વિપુલ સરનો ક્લાસ જોઈન્ટ કરી લે એટલે ખ્યાલ આવી જશે કે સટ્ટા મારો સારો કે શીખીને આપણે ટ્રેડિંગ કરવું સારું. મેરા નામ જય સોની હૈ, મેં સ્ટોક માર્કેટ મેં અભી શરૂઆતી હૈ મેરી, ઓર મેરે એક ફ્રેન્ડ કે થ્રુ મુજે માલૂમ પડા સર કે ક્લાસીસ કા, ઓર મેને જબ યે દો દિન અટેન્ડ કિયા તો ઇસમે મેને બહોત સારે પહેલે ભી કોર્સ કિયે હુએ હૈ, પર યે જો કોર્સ કી ખાસિયત હૈ કી જો સબસે મતલબ કોમ્પ્લિકેટેડ ચીઝે હોતી હૈ ઉનકો સરને બહોત હી સિમ્પલ ઓર ઇફેક્ટિવ તરીકે સે બતાયા હૈ, તો અગર યહી સિર્ફ હમ ફોલો કરેંગે તો બહુ અચ્છા રિઝલ્ટ મિલ સકતા હૈ, ઓર બેક ટેસ્ટિંગ બહુ જ્યાદા કી ઇસમે તો ઉસકે ભી રિઝલ્ટ બહુ અચ્છે હૈ, ઓર દૂસરા જો મેઇન બેનિફિટ હૈ વો પર્સનલ ઇન્ટરેક્શન ઓર સર વન ટુ વન જો દૂસરે દિન જો હમ ટ્રેનિંગ સર જો પ્રોવાઈડ કરતા હૈ જો હમ ખુદ સેટઅપ પે બેઠ કે અપને કો ટ્રેડ કરના રહેતા હૈ તો વો જો હૈ વો એક બહુ હી બઢિયા ચીઝ હૈ જિસમે અગર કોઈ ભી ડાઉટ હૈ કુછ ભી હૈ પૂરે સેટઅપ ભી હમકો જૈસે હમ લાઈવ ટ્રેડિંગ કરતા હૈ ઉસી હિસાબ સે સબ હમ કર સકતે ઇસમે તો વો એક બહુ અચ્છી ચીઝ હૈ, ઓર મેં રિકમેન્ડ કરુંગા કી જો લોગ સ્ટોક માર્કેટ મેં ઇન્વેસ્ટ કરના ચાહતે હૈ યા તો ટ્રેડિંગ કરના ચાહતે હૈ એક બાર યે કોર્સ જરૂર કીજીએ, ઓર બહુ ઇફેક્ટિવ ઓર હેલ્પફુલ હૈ. જેને પણ આ કોર્સ કરવો હોય એ એકવાર સર જોડે એકવાર કોર્સ કરો, ખૂબ જ ઇફેક્ટિવ અને એકદમ સરસ કોર્સ છે. મેરા નામ ચેતન રાજનપુરા, મેં રાજકોટ સે આયા હું ઓર મેં 8 સાલ સે ટ્રેડિંગ કર રહા હું, મેને સર કા એક બાર કોર્સ કિયા થા ઓર યે દૂસરી બાર કર રહા હું, જો પહેલી બાર કિયા થા ઉસસે મેરે થોડા ડાઉટ થા તો યે સબ ડાઉટ નિકલ ગયા, સબ અચ્છા કોર્સ હે, સબકો કરના ચાહીએ એક બાર. મેં આનંદ સે હું, મેં લોકડાઉન કે પૂરે ટાઈમ કી ઇમેજ કો દેખતે હુએ યે સ્ટડી કરને કી કોશિશ કર રહા થા, જબ ભી ઇન્ટરનેટ પે સર્ચ કરતા થા તો કાફી સારે વિડિયોઝ મુજે મિલતે રહે થે તો ઉસી સે મેને સીખને કી કોશિશ કી, ઓર બાદ મેં મેને એક અચ્છા સમજાને વાલા આદમી સ્ક્રીન પે દેખા તો વહાં પે જાકે દેખા તો વો સર થે વિપુલ કૌશિક, જિસને મુજે અચ્છા નોલેજ તો વૈસે યુટ્યુબ પે હી દે દિયા થા, લેકિન બાદ મેં મુજે લગા કે મુજમે કુછ તો કમ હૈ તો ઇસીલિયે મેને કાફી સારે ડાઉટ્સ ક્લિયર કરને કે લિયે મેને ક્લાસ જોઈન કિયા, ઓર મેરે જીતને ભી ડાઉટ્સ રહે યે તુરંત હી ક્લિયર હો ગયે, તો એક બાર મેં આપકો રેકમેન્ડ કરના ચાહતા હું બિના નોલેજ કા સ્ટોક માર્કેટ મત કીજીએ, ઓર ઇસીલિયે એક બાર હો સકે તો ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉસ જગહ પે કીજીએ જહાં પે આપકી નોલેજ લાઇફ ટાઈમ કે લિયે હોતી હૈ, માર્કેટ ચાહે છોટા હો બડા હો કહીં પે ભી ચલા જાય લેકિન બિના નોલેજ કા કોઈ ભી બિઝનેસ ચાહે સ્ટોક માર્કેટ હો યા કુછ ભી નહીં કરના ચાહીએ, તો એક બાર મેરી સલાહ હૈ કે આપ વિપુલ કૌશિક સર કે ક્લાસ કો જરૂર અટેન્ડ કીજીએ, આપકો 100% ફાયદા હોગા, યે મેરા ખુદ રેકમેન્ડેશન. હેલો ભાઈ, કેમ છો? મારું નામ રોનક પટેલ અને હું આણંદથી છું. અત્યારે હું વિપુલ કૌશિક સરના ક્લાસમાં છું. તમે ઘણી બધી નવી સ્ટ્રીક સ્ટોક માર્કેટની તમે જાણવા માગતા હો તો તમે જરૂર એક વખત વિપુલ સરનો ક્લાસ જોઈન કરો. એમાં તમારા ઘણા બધા સ્ટોક માર્કેટ, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ, ફાઇનાન્શિયલ મેનેજમેન્ટના ઘણા બધા ડાઉટ્સ દૂર થઈ જશે. હું તમને ગેરંટી આપું છું કે આ ક્લાસ જોઈન કર્યા પછી મને મારો સેલ્ફ કોન્ફિડન્સ એટલો વધી ગયો છે કે હું ગમે ત્યાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીશ તો 100% ગેઇન કરીશ. તો મારી તમને એક સલાહ છે કે એક વખત વિપુલ કૌશિક સરનો ક્લાસ જરૂરથી જોઈન કરો. થેન્ક યુ. મેં એકચ્યુઅલી ગુજરાત રાજકોટ સે હું ઓર એક 1.5 સાલ સે મેં યે કામ કર રહા હું સ્ટોક એક્સચેન્જ મેં, પણ કુછ સીખા નહીં થા મેને ઓર લોસ ભી બહુ કિયા હૈ, ઓર એકચ્યુઅલી ક્યા હૈ મુજે સીખના થા પણ ક્યા કરના થા ઓફલાઈન સીખના થા ફેસ ટુ ફેસ મિલ કે સર કો, ઓર વિપુલ કૌશિક જી કા જો યુટ્યુબ મેં વિડીયો આ રહા હૈ લાઈવ સેશન્સ મેં હર બાર અટેન્ડ કરતા હું, તકરીબન 1 સાલ સે અટેન્ડ કર રહા હું, તો ક્યા હૈ સર કો મેને 2-3 બાર ફોન ભી કિયા થા કે આપ એક બાર અહેમદાબાદ આ જાઈએ ઓર મુજે ક્લાસ જોઈન કરની હૈ આપકી, ઓર એક બાત તો 100% હૈ કે સ્ટોક એક્સચેન્જ મેં આપકો કામ કરના હૈ તો સીખ કે હી કરના પડેગા, ઇતના તો ઇઝી ભી નહીં ઓર ઇતના ક્યા બોલતે હાર્ડ ભી નહીં હૈ, તો સીખ કે કરેંગે તો 100% પ્રોફિટ મેં રહેંગે આપ, ઓર મેરા એક પર્સનલ ઓપિનિયન હૈ કે જો સરકાર જો ટૂલ્સ હૈ TTC શોર્ટ ફોર્મ મેં બોલતે TTC વો રિયલી 8મા અજુબા હૈ, આપકો ચાર્ટ ભી દેખને કી જરૂરત નહીં હૈ ઓર ઓપ્શન ચેન ભી દેખને કી જરૂરત નહીં હૈ, ઇતના કોન્ફિડન્સ આ ચુકા હૈ 2 દિન મેં. સેટરડે ઓર સન્ડે કો સર ને ટ્રેનિંગ લિયા હૈ હમારા પૂરા,
सैटरडे को पूरा सर ने समझाया और संडे को पूरा हम कंप्यूटर के पे बैठ के सर को चार्ट दिखा रहे हैं कि सर ये देखिए। हाँ, बहुत सीखने को मिला है, गलती भी बहुत हुई है पास्ट टेंस में, वो भी चेंज करेंगे। और सर हर बार एक बात बोलते हैं लाइव सेशन में, भाव भगवान से गुजराती में वर्ड से, प्राइस देखो आप, प्राइस देख के आप कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है और कितना एवरेज करना है, वो बहुत अच्छी तरह से समझाया है। और गुजराती में बोलूँ तो एक बार आ जाओ और कितनी बार लॉस कर सो तमें लोग। मैं श्रीकांत अहमदाबाद से 5 साल से स्टॉक मार्केट का काम कर रहा हूँ, मतलब काम कर रहा हूँ मतलब पता नहीं चलता काम कर रहा हूँ, इससे टिप लूँ इससे टिप लूँ, ये बोले ये ले लो, वो बोले वो लो, इस तरह थोड़ा बहुत नुकसान भी किया। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो देखे, ऑनलाइन क्लास भी वालों को भी देखा, ऑफलाइन क्लास में भी देखा, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, लेकिन इनका जब वीडियो सामने आया एक बार तो मैं बोला इंटरेस्टेड पर्सन है विपुल कौशिक जी, तो मैंने बार बार उनको सब्सक्राइब किया और बाद में उनके वीडियो मेरे पास आते रहे तो मैं देखते रहा। तो उनका जो कॉन्फिडेंस स्टूडेंट के लिए होता है कि ये सीखना ही और सिखाते हैं, तो वो जो ऑप्शन चेन है वो बोलते हैं ना कि खाली खेल ही है और सही में खेल है, उनके पास जो TTC ट्रेडिंग कैलकुलेटर, वो ऑप्शन चेन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और चार्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। जो अगर चार्ट मास्टर होगा और चार्ट की तरह से जो सपोर्ट लेवल और वो लगाते हैं तो वो ट्रेडिंग कैलकुलेटर में बिल्कुल करेक्ट आता है, उन पर एक 2-5 रुपये का फ़र्क वो तो चलता है। और मैं तो ये बोलना चाहता हूँ अपने जो 5-50 हज़ार के लॉस खाते हैं तो एक 25 हज़ार का इन्वेस्टमेंट अपने खुद के लिए करने का होता है, अपने खुद के लिए 25 हज़ार फीस की तरह से नहीं, अपने जो जैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि भाई 25 हज़ार TCS में डाला कि 25 हज़ार और कोई शेयर में डाला, तो ये इन्वेस्टमेंट अपने लिए हो गया। तो विपुल सर का क्लास एक बार कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त है, 2 दिन में उनका सिखाने का तरीका बहुत ही ज़बरदस्त है, जो नए लोग हैं उनको भी मेरे ख्याल से बिल्कुल नया होगा, उसको भी 50% या मैं तो बोलता हूँ 100%, मुझे तो 100% का लगभग नॉलेज हो गया है। तो नए लोग भी आए उनका क्लास किए एक बार, बहुत ही अच्छा रहेगा और अपने लिए इन्वेस्टमेंट किए। 25 हज़ार जाए तो ऐसा नहीं है कि 25 हज़ार मेरा ज़्यादा फीस है, ये मतलब नहीं, 25 हज़ार हम अपने खुद के लिए करते हैं। जैसे कि कोई शेयर लेके अपने 5 साल के लिए रख देते तो ये एक तुमको एक साल में आपको 25 हज़ार का 2.5 लाख बना के देगा, ऐसा इनका स्टडी का मार्गदर्शन है। तो मैं तो सबको यही बोल रहा हूँ, तो एक बार विपुल सर का क्लास कीजिए, बहुत ही फायदेमंद होंगे। धन्यवाद।